वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं सुपर रिलेशन डिज़ाइन का, ठीक है। तो इसमें बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और क्वेश्चन के थ्रू ही हम इसको समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, हाईवे इज प्रोवाइडेड विद हॉरिजॉन्टल ऑफ रेडियस 300 मीटर इन ए सर्टन लोकेलिटी, कैलकुलेट सुपर रिलेशन रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए डिज़ाइन स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 90 किलोमीटर पर आवर की डिज़ाइन स्पीड के लिए सुपर रिलेशन कितना रिक्वायर्ड होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन का पहला पोर्शन है सुपर रिलेशन डिज़ाइन का, और कैलकुलेट द मैक्सिमम अलाउबल स्पीड इफ सुपर रिलेशन इज लिमिटेड टू 0.07 एंड सेफ लिमिट ऑफ ट्रांसवर्स फ्रिक्शन इज 0.15। तो ये जो दोनों लिमिट्स हैं, स्पीड सुपर एलिवेशन की 0.07 और ट्रांसवर्स फ्रिक्शन की 0.15, वो हमारी IRC गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो दी हुई लिमिट से वही है। तो सेकंड पोर्शन हमारा क्या कहता है कि अगर आप इसके मैक्सिमम लिमिट सुपर एलिवेशन आप कितना तक प्रोवाइड कर सकते हो एज पर IRC 0.07% तक, और ट्रांसवर्स फ्रिक्शन की वैल्यू सेफ लिमिट क्या है 0.15। तो अगर आप ये वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में मैक्सिमम कितनी स्पीड तक की डिज़ाइन, कितना डिज़ाइन स्पीड आप रख सकते हो व्हीकल का, ठीक है। तो दो क्वेश्चन के दो पोर्शन है, हम एक ही करके दोनों बुझाते हैं। पहला है कैलकुलेशन ऑफ सुपर एलिवेशन। अब सुपर एलिवेशन की कैलकुलेशन में आपके पास में तीन स्टेप्स होती हैं। पहली स्टेप्स क्या है हमारी, हम देख लेते हैं कि आपको इजी सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करना है विदाउट कंसिडरिंग ट्रांसवर्स कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ स्टेप वन में क्या होगा, विदाउट कंसिडरिंग ट्रांसवर्स कोफिशियंट फ्रिक्शन हम ले लेते हैं, और अब इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक हमारा बेसिक फार्मूला है। अगर आप सुपर एलिवेशन और ट्रांसवर्स फ्रिक्शन का रिलेशनशिप देखना चाहें तो वो क्या है, ई प्लस एफ इज इक्वल टू स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन जी आर। यहाँ पे सब ई क्या है, सुपर रिलेशन की वैल्यू, एफ क्या है ट्रांसवर्स फ्रिक्शन की वैल्यू, और वी स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन जी आर। स्मॉल वी मतलब वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल वी यूज करता हूँ तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। तो जस्ट इसको स्टैंडर्ड यूनिट में मेंटेन करने के लिए वो कैपिटल अगर आप वी यूज़ करोगे तो जी को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में, और फार्मूला आ जाएगा हमारा कि कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, या कुछ और केस में वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। तो हम उसको बाय हार्ट नहीं करना चाह रहे कॉन्स्टेंट को, तो हमने वी स्क्वायर अपॉन जी आर जो बेसिक फार्मूला हमारा है वो ध्यान में रखा है, ई प्लस, ये हमारा बेसिक फार्मूला है, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, पहली स्टेप में एफ को कंसिडर नहीं करना है, और E इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर से E की वैल्यू निकालनी है। लेकिन IRC क्या गाइड करती है, IRC का नॉर्म से कहता है कि आपको वेलोसिटी जो है वो डिज़ाइन स्पीड का इस रिलेशन में, जब आप F को कंसीडर नहीं कर रहे हो, जब आप ट्रांसवर्स फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हो, तो आपको वेलोसिटी डिज़ाइन स्पीड की 0.75% लेनी है। तो 75% मतलब 0.75 V ब्रैकेट में स्क्वायर अपॉन जी आर, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 0.75 V। अब आपका वेलोसिटी कितना दे रखा है, 90 किलोमीटर पर आवर, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 90 मल्टीपल विथ 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आता है मेरा 25 मीटर पर सेकंड। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, G की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड, और R इज गिवन 300 मीटर का मेरा रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व है, तो E की वैल्यू मेरी आ रखी है 0.1195। अब E की वैल्यू अगर 0.1195 आई, मतलब कि इट इज़ ग्रेटर देन 0.07, IRC की लिमिट क्या है 7% सुपर रिलेशन की, तो इसका मतलब नॉट ओके, आप इतना नहीं प्रोवाइड कर सकते। अगर ये वैल्यू लेस देन 0.07 आई होती तो उस केस में क्या करते आप, अगर E इज़ लेस देन 0.07 आया होता तो उस केस में हम लोग जो भी वैल्यू आई होती उतना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर देते हैं। किसके लिए, 90 किलोमीटर पर आवर, या फिर बोल सकते हैं हम 25 मीटर पर सेकंड की डिज़ाइन स्पीड के लिए। अब क्या करेंगे,
तो अब हम हमारी वैल्यू ई 0.07 से ज़्यादा आ रही है, तो हम क्या करेंगे, ई को 0.07 मैक्सिमम जितनी प्रोवाइड कर सकते हैं उतनी प्रोवाइड करके फिर हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन जी आर, और एफ की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आईआरसी क्या गाइडलाइन करती है कि आपको वी की वैल्यू डिज़ाइन स्पीड के इक्वल लेनी है। फर्स्ट स्टेप में क्या था, जब आप ट्रांसवर्ट कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन नहीं कंसिडर कर रहे थे तो आप वी की वैल्यू 75% ऑफ डिज़ाइन स्पीड ले रहे थे, लेकिन सेकंड स्टेप में क्या करना है, जितनी आपकी वैल्यू है उतनी ही लिए। तो अब आपने यहाँ पर ई का वैल्यू 0.07 सब्सटीट्यूट कर दिया, वी इज इक्वल टू 25, जी का 9.81 पता ही है आपको, आर का 300, ये सब करके एफ इज इक्वल टू 0.142 विच इज लेसर देन 0.15, तो ओके हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एफ की और मतलब इसका क्या हुआ कि आप मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 0.07 प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो हो गया, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था कि तीन स्टेप है, अगर यहाँ पर भी आपकी एफ की वैल्यू 0.15 से एक्सीड हो जाती तो नॉट ओके आता, उस केस में हम क्या करते, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, थर्ड स्टेप में हम क्या करते, हम ये लिख देते कि 90 किलोमीटर पर आवर के लिए यहाँ डिज़ाइन करना पॉसिबल नहीं है, और फिर आप ई की वैल्यू इस लोकेलिटी में ई की वैल्यू 0.07, एफ की वैल्यू 0.15 लेके इस रेडियस के लिए वी का मैक्सिमम वैल्यू निकालते कि चलो हम ये बताते कि 90, और वो वैल्यू कितनी आती आपकी, वो वैल्यू आपकी आती थोड़ी सी 90 से थोड़ा कम। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते, कम या ज़्यादा, तो उस केस में जितना भी वैल्यू आता, अगर मैं कौन से केस की बात कर रहा हूँ, हमारे केस की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर एफ की वैल्यू 0.15 से ज़्यादा आती तो आप फिर ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर से जो वैल्यू वेलोसिटी कैलकुलेट करते डिज़ाइन स्पीड, वो 90 किलोमीटर पर आवर से कम आती। ठीक है, तो उस केस में फिर आपको लास्ट में स्टेप थ्री में वो कितनी आती वैल्यू, सपोज कि 85-87 ऐसे कुछ आया। ठीक है, तो आप लिखते कि यहाँ पे इस रोड स्ट्रेच पे 85 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम डिज़ाइन स्पीड होनी चाहिए, ना कि 90 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से तीन स्टेप्स हैं हमारे कैलकुलेशन ऑफ सुपर एलिवेशन में। अब हमारे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, क्या बोलता है कि कैलकुलेट मैक्सिमम स्पीड इफ सुपर एलिवेशन इज लिमिटेड टू 0.07 एंड सेफ लिमिट ऑफ ट्रांसवर्स इज 0.15। तो हमको पता है कि हमारा स्टेप टू में ओके हो गया था, तो 90 किलोमीटर तो आप प्रोवाइड कर सकते हो डिज़ाइन स्पीड, लेकिन ये पूछा है कि 90 किलोमीटर मैक्सिमम कितनी प्रोवाइड कर सकते हो, 95, 100। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था ई प्लस वी एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, मैक्सिमम अलाउबल स्पीड हम निकाल रहे हैं, सेकंड पोर्शन में पहुंच गए हम, सुपर एलिवेशन तो हम प्रोवाइड कर चुके हैं 0.07, तो वी स्क्वायर अपॉन जी आर, तो इसी को अगर मैं वी को किलोमीटर पर आवर में लिखना चाहूँ, तो क्योंकि आपका आंसर आई आर सी का वेलोसिटी के लिए आई आर सी कौन सा यूनिट यूज करती है, अधिकतर आपने देखा है किलोमीटर पर आवर, है ना, हम इंडिया में कि कितने किलोमीटर पर आवर से मेरा जा रहा है व्हीकल, तो उस केस में आपका ई प्लस एफ इज इक्वल टू कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, और कैपिटल वी किस में है मेरा, किलोमीटर पर आवर में, ई का वैल्यू 0.07, एफ का वैल्यू 0.15, वी वी मैक्स 127 का 127 और आर इज इक्वल टू 300। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, वी मैक्स आ रहा है मेरा 91.55 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली आप 91.55 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से की स्पीड इस स्ट्रेच पे रख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा सुपर रिलेशन से रिलेटेड। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।